हेलो जी, मेरा नाम अनमोल है और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 13,000 का गेमिंग पीसी जिसमें 2 GB का ग्राफिक कार्ड भी इंक्लूडेड है 13,000 के प्राइस में ही। और इसमें आप GTA 5 जैसी गेम जो है वो काफ़ी इजीली 40 से 50 फ्रेम्स पर सेकंड में रन कर सकते हो। सो कंप्लीट पीसी बिल्ड के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना और पसंद आ रही वीडियोज तो लाइक करो। और इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो वो भी देखो, उसमें मैंने आपको 4200 का जो है बेसिक पीसी बिल्ड बताया है, तो वो भी चेक कर सकते हो अगर आपके पास इतना बजट नहीं है। बाकी इस वीडियो में फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स आप यूज कर सकते हो। सो गाइस, कंपोनेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो सारे प्राइजेस है ये लोकल मार्केट से काफी सस्ते मिल रहे हैं, और अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ये लगभग 14 या 15 हज़ार का पड़ेगा और लोकल मार्केट से 13 का। बाकी मैं वीडियो में प्राइस दोनों बताता जाऊंगा आपको, लोकल मार्केट के भी और ऑनलाइन के भी, और उसी के साथ साथ सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हम इसमें प्रोसेसर यूज करने वाले हैं। तो प्रोसेसर इसमें हम यूज करेंगे Core 2 Quad, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था Core 2 Duo के बारे में, और इसमें हम यूज करने वाले Core 2 Quad जो कि है Q6600 मॉडल का और 2.6 GHz का आपको मिलेगा ये, और 8 MB कैशे मेमोरी के साथ काफी अच्छा जो है प्रोसेसर है ये, और आपको GTA 5 जैसी गेम्स जो है आपकी काफी इजीली रन कर देगा, पर बिना ग्राफिक कार्ड के नहीं करेगा, तो ग्राफिक कार्ड के बारे में आगे बताऊंगा। और उसी के साथ साथ जो हम इस प्रोसेसर के लिए मदरबोर्ड यूज करने वाले वही सेम करने वाले जो कि था Xeronix का G41, और ये लगभग आपको 2 स्लॉट्स मिलते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था रैम के लिए, और आप इसमें 4 GB तक रैम सपोर्टेड है, काफी अच्छा मदरबोर्ड है ये, आप ले सकते हो इसके साथ। इसके अलावा और भी GB का भी एक और आता है लेकिन वो बजट ऊपर पड़ जाएगा। तो प्रोसेसर का जो प्राइस था मैं बताना भूल गया, प्रोसेसर का प्राइस आपको लोकल मार्केट से पड़ेगा 900 रुपीज़ का, और अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको लगभग पड़ेगा 1100 या फिर 1000 का भी मिल जाएगा। सो लोकल मार्केट से लेने ही प्रेफर करूंगा। साथ ही साथ जो मदरबोर्ड का प्राइस है वो लोकल मार्केट में है 1600 या 1650 के आसपास, और अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा जो कि 1900 या 2000 का भी है कहीं कहीं जगह पर। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में है, मैं प्रेफर करूंगा कि लोकल मार्केट से लो, अगर आपके आसपास सोर्सेज नहीं है तो ही ऑनलाइन लेना। इसके बाद बात करते हैं रैम की, तो रैम हम इसमें यूज करने वाले 4 GB, तो 2 GB की 2 स्टिक्स हम यूज करेंगे, और सस्ती भी इसमें आती है रैम आपकी, जो लगभग आपको 700 में 2 रैम मिल जाएगी, मतलब 4 GB 700 में मिल जाएगी ऑनलाइन, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप थोड़ी अच्छे ब्रांड के साथ जाओ, जैसे कि किंगस्टन हो गया, तो किंगस्टन की आपको लगभग मिल जाएगी 1300 की 2 स्टिक, मतलब 700 या 650 की एक है स्टिक 2 GB की, तो टोटल आपको 1300 या 1400 में मिल जाएगी 4 GB की रैम लोकल मार्केट से, और ऑनलाइन थोड़ी सी महंगी होगी तो वो भी आप प्राइस देख सकते हो और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके अलावा बात करते हैं हार्ड डिस्क की, तो GTA 5 के पर्पज से ही मैंने आपको ये वीडियो बतानी है, तो 320 GB जो है वो काफ़ी सफिशेंट रहेगी, अगर आप विंडोज़ का जो पार्ट है वो हटा देते हो जब लगभग 40 GB के आसपास, तो उसके बाद भी आपका जो है 260 GB बचता है, 270 GB उसमें आपकी जो GTA 5 है वो है 60 GB की, तो काफ़ी ईजिली रन कर जाएगी। सो हार्ड डिस्क हम यूज़ करने वाले सीगेट की 320 GB की, जो कि लगभग आपको लोकल मार्केट से 1000 से 1100 की मिल जाएगी, और ऑनलाइन थोड़ी सी महंगी मिलेगी शायद से 1200 की, वही जैसे मैंने आपको बताया जो ऑनलाइन प्राइसेज है वो ज़्यादा है, तो लोकल मार्केट से ले सकते हो आप 1000 से 1100 के बीच में। और SMPS और जो कैबिनेट है वो सेम हम यूज़ करेंगे पिछली वीडियो वाले ही Xeronix का SMPS करेंगे 450 वॉट्स का, जो कि आपको पड़ेगा 500 रुपीज़ का, और उसी के साथ साथ कैबिनेट भी हम Xeronix का यूज़ करेंगे जो बेसिक्स है, और ये दोनों आपको कैबिनेट और जो आपका SMPS है ये दोनों आपको पड़ेंगे 900 रुपीज़ के, और ऑनलाइन थोड़ा महंगा है 1500 के आसपास है दोनों, तो 900 में आप लोकल मार्केट से ले सकते हो। सो गाइस, इसके बाद बात करते हैं अपने मेन कंपोनेंट के बारे में जो कि है ग्राफिक कार्ड। सो इस पीसी बिल्ड में हम यूज करने वाले हैं 2 GB का ग्राफिक कार्ड जो कि है GT 1030, तो ये आपको GB में मिल जाएगा काफी सस्ते में, और ये लगभग आपको प्राइस पड़ता है 7000 के आसपास लोकल मार्केट से, इससे भी कम ही मिल जाएगा 6500 के आसपास, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड है ये, और आपकी GTA 5 जैसी और भी काफ़ी सारे नए नए टाइटल्स भी आपके लो सेटिंग्स में या मीडियम सेटिंग्स में काफ़ी अच्छे से रन कर देगा, जबकि GTA 5 थोड़ी सी अच्छी गेम है, मतलब अच्छी का मतलब है काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करी गई है, तो वो आपका तो हाई सेटिंग्स में या मीडियम सेटिंग्स में काफ़ी अच्छे फ्रेम रेट्स दे देगा, तो ग्राफिक कार्ड के लिए काफ़ी बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा सही है इसका। तो गाइज़, ये था आज का हमारा पीसी बिल्ड, और ये टोटल जो आप अगर सम अप करोगे तो ये आपको पड़ेगा लगभग 12,800 के आसपास, या 13,000 लगा लो आप राउंड ऑफ में, और अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे तो ये आपको 14,000 या 15,000 के आसपास पड़ेगा। सो मैं प्रेफर करूंगा लोकल मार्केट से लो, और इसमें आपके लगभग सारी गेम्स चल जाएगी और अच्छे खासे फ्रेम रेट्स दे देगी आपको GTA 5 जैसी गेम, तो मेन वीडियो हमने GTA 5 के लिए बनाई थी, और वो आपको लगभग 40 to 50 FPS दे देगी मीडियम से हाई सेटिंग्स में, तो काफ़ी अच्छा पीसी बिल्ड है 13,000 के प्राइस में। और पूरे पीसी बिल्ड में आपको जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है वो आ सकती है प्रोसेसर ढूंढने में, तो अगर आपके आसपास ये प्रोसेसर नहीं मिल रहा
क्योंकि पुराना प्रोसेसर हो गया, नया आना बंद हो गया, तो आप ये ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ज़्यादा रेट का फ़र्क नहीं है, 200 रुपीज़ का फ़र्क है। कहाँ आपको लोकल मार्केट में 900 का मिलेगा और ऑनलाइन आपको 1100 या 1200 का मिल जाएगा। बाकी पीसी बिल्ट आपको समझ आ ही गया होगा, काफ़ी अच्छा पीसी बिल्ट है ये। और इस वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्क्रीन पर इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आ रहा है, वहाँ पर भी जाके मेरे को फॉलो करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन सा पीसी बिल्ट आप देखना चाहते हो। तो उतने बजट का मैं पीसी बिल्ट आपके लिए लेकर आऊँगा, और मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय बाय।